तो आज की बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी बस अब से कुछ ही देर में आज फिर से पूछताछ करने वाली है। इस बीच न्यूज 18 को लंदन में वाड्रा की कथित संपत्ति से जुड़े दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर आज ईडी पूछताछ करेगी। ईडी के मुताबिक वाड्रा और उनके द्वारा जो बेनामी संपत्ति मामले में संदिग्ध लेन देन हुए हैं, उसी से जुड़े ये दस्तावेज हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक सुमित चड्ढा, जो संजय भंडारी का रिश्तेदार है, उसे रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को भेजा था। इस डॉक्यूमेंट के बारे में आज रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी। इससे पहले कल भी इसी मामले में वाड्रा से 5 घंटे तक पूछताछ हुई थी, लेकिन ईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है और आज एक बार फिर इस मामले में पूछताछ होगी। तो यही वो दस्तावेज है, एक्सक्लूसिव दस्तावेज न्यूज 18 इंडिया पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। संपत्ति से जुड़ा, जो लंदन में उनकी संपत्ति है उसी से जुड़ा ये दस्तावेज है। इस बारे में आज ईडी पूछताछ करेगा। ईडी ने कल भी इस बारे में पूछताछ की थी, हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने यह कहा था कि उनके पास किसी तरह की कोई लंदन में संपत्ति नहीं है। तमाम ऐसे सवाल जो उनसे पूछे गए थे, उनसे ये कहा गया था कि क्या लंदन में प्रॉपर्टी आपकी है, इसके अलावा भी वहां पर क्या क्या कई संपत्तियां हैं, तो उन्होंने इनकार किया था। और इसी खबर पर तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन डॉक्यूमेंट्स पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शंकर आनंद इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा के घर पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी एहतिशाम खान, और ईडी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं दीपक बिष्ट। अरुण सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शंकर आनंद का रुख करना चाहेंगे। शंकर, आपसे इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में और जानना चाहेंगे। देखिए, इस दस्तावेज की अगर बात करें तो ये दस्तावेज जो लंदन में जो प्रॉपर्टी की जो खरीद बिक्री की है उससे संबंधित मामला है, और जिस तरह से बकायदा रॉबर्ट वाड्रा ये बकायदा जो कल जो पूछताछ हुई वो इस बात से इनकार कर रहे थे कि उनकी कोई भी संपत्ति नहीं है और उसकी कंपनी से संबंधित वहां पे कोई भी संपत्ति नहीं है। तो ये दस्तावेज में साफ तौर पे इस बात का जिक्र है कि किस तरह से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो आज की जो पूछताछ होनी है तो इसी दस्तावेज के आधार पर पूछताछ होगी कि किस तरह से आप इस ट्रांजेक्शन के बारे में बातचीत हो रही है और किस तरह से बकायदा मेल में इस मामले में आप बातचीत हो रही है। बात करें अगर सुमित चड्ढा की बात करें तो वो संजय भंडारी का रिश्तेदार है, संजय भंडारी एक आर्म्स डीलर है, और किस तरह से बकायदा वो इसके संपर्क में आए, किस तरह से बकायदा इसके पूरे कंपनी के साथ में संदिग्ध। हालांकि शंकर, इसी सिलसिले में जब उनसे कल पूछा गया था कि लंदन में आपके पास क्या प्रॉपर्टी है या इसके अलावा कई संपत्ति क्या वहां पर है, तो उन्होंने कल इस बात से इनकार किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पर कोई संपत्ति नहीं है मेरे पास। देखिए, जहाँ यही फर्क पड़ता है कि जांच एजेंसी के सामने जब आने पर और जब अगर आप वहाँ पे क्या सच्चाई है क्या झूठ है उसके साफ तौर पे पता चलता है, क्योंकि जब आपके सामने पूछताछ की जाती है तो शुरुआती तौर पे आपसे पूछा जाता है, सवाल जवाब किया जाता है, क्या इस मामले में आपको जानकारी है या नहीं है। लेकिन जब तमाम दस्तावेज को रख करके सामने में पूछा जाता है, क्या इस दस्तावेज को आप जानते हैं, क्या इस मेल ट्रांजेक्शन के बारे में आप जानते हैं, या अन्य और भी कई ऐसे सबूत हैं जो ईडी के पास हैं, तो इस दस्तावेज और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण जो सबूत हैं जो ईडी के पास, आज उनको दिखा करके उसके बारे में बकायदा जब पूछताछ की जाएगी तो निश्चित तौर पे इस मामले पर जो रॉबर्ट वाड्रा हैं और उनकी तमाम जो उनकी कंपनी से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो आज कहा जा सकता है कि आज 11 बजे के लगभग में जब रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पहुंचेंगे तो जब उनसे जो सवाल जवाब किया जाएगा तो निश्चित तौर पे जो इसके तमाम जो संदिग्ध लेन देन है इनकी कंपनी से जुड़ा बिल्कुल, तो आज का दिन काफी अहम है क्योंकि कल ही ईडी की ये पूछताछ हुई थी, 5 से 6 घंटे ये पूछताछ चली थी, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हुआ था ईडी, और यही कारण है कि आज उनको फिर से बुलाया गया है। हम अरुण सिंह का भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एहतिशाम खान का हम रुख कर लेते हैं जो कि रॉबर्ट वाड्रा के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। किस तरह की हलचल एहतिशाम अभी इस वक्त वहां पर, क्या रॉबर्ट वाड्रा घर से निकल चुके हैं या अभी घर पर ही हैं, क्या जानकारी? देखिए, सुबह से हम लोग यहाँ खड़े हैं और ये रॉबर्ट वाड्रा के घर के बाहर का जो की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहले कुछ एसपीजी की गाड़ियाँ थी लेकिन वो भी चली गई क्योंकि प्रियंका गांधी जो कि घर में थी थोड़ी देर पहले वो निकली है, तो उनके साथ एक टीम निकली है। इसके अलावा हमें ये अंदाज़ा है कि रॉबर्ट वाड्रा अभी घर पर ही हैं, जो सिक्योरिटी के लोगों से हमारी बात हुई है वो यहीं हैं, लेकिन चूँकि 10:30 बजे का समय दिया गया था उनको ईडी के पास पेश होने के लिए, तो हो सकता है कि थोड़ी देर में वो निकलें, और ईडी का जो दफ्तर है वो बहुत ही कम फासले पे यहाँ पर है, तो ये थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और ईडी के दफ्तर जाएंगे जहाँ पे उनको उनसे दोबारा क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। ठीक है, कम फासले पे भले ही हो लेकिन 10:30 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया था। बहरहाल हम अरुण सिंह का रुख करेंगे। अरुण,
कल के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ ईडी, यही कारण है शायद कि आज फिर से बुलाया गया है। आज अब क्या देखें, पूछताछ किस तरह से आगे बढ़ेगी? देखिए, पूछताछ का जहां तक सवाल है वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जैसा कि एहतेशाम ने बताया कि क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी है। कल जो जवाब दिया था रॉबर्ट वाड्रा ने, कहा यह जा रहा है कि ईडी के अधिकारी उससे संतुष्ट नहीं है। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग जब होती है तो और भी जो लोग इस मामले में बुलाए गए थे क्वेश्चनिंग के लिए, भंडारी की अगर बात करें तो उनको कहा यह जा रहा है कि सबको सामने बैठा करके एक बार पूछताछ की जाएगी, और सबसे अलग अलग पूछताछ की जाती है, उसका मिलान किया जाता है, और अगर बयानों में विरोधाभास पाया जाता है तो निश्चित रूप से ये एक मुश्किल का सबब होता है जो जिससे भी पूछताछ होती है। जहां तक इसके राजनीतिक मायने हैं, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के पीछे खड़ी है। आज फिर हमने बात की कांग्रेस के नेताओं से और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि प्रियंका गांधी राजनीति में भले ही हों लेकिन वो रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है, और भारतीय संस्कृति यही कहती है कि मुश्किल के समय में या इस तरह का अगर परेशान किया जाए, कांग्रेस के बकौल कांग्रेस ये परेशान किया जा रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक बदले की भावना के तहत काम किया जाता है, तो प्रियंका गांधी का रॉबर्ट वाड्रा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना कतई गलत नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिफेंड कर रही है। साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने भी जब कल चार्ज लिया था, मैं आपको बताऊं, जब हम लोगों ने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि आप सब कुछ जानते हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब से हो रहा है और अब क्यों हो रहा है। तो आप साफ देख सकती हैं कि एक पॉलिटिकल बैटल भी लड़ने की कोशिश प्रियंका गांधी और कांग्रेस की तरफ है, और यह कहा जा रहा है कि 5 साल तक जब सरकार थी तब ये सारी चीजें क्यों नहीं हुई, चुनाव के ऐलान के 30 दिन के अंदर अगर ये चीजें हो रही हैं तो इस पर संशय होना, सवाल उठना लाजिमी है, और कांग्रेस पार्टी वही राजनीतिक सवाल सरकार से पूछ रही है। बिल्कुल, कल प्रियंका गांधी ने यही चीज कही थी जिस चीज का जिक्र यहाँ पर अरुण सिंह कर रहे हैं। लेकिन दीपक बिष्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दीपक, आज का दिन काफी अहम साबित होने वाला है रॉबर्ट वाड्रा के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि कल 6 घंटे की पूछताछ के बाद जो हालात थे उसके बाद संतुष्ट नहीं हो पाई थी ईडी, और यही वजह कि आज 10:30 बजे का समय था लेकिन लगभग 11 बजे के आसपास उनके पहुंचने का यहां पर माना जा रहा है, और उसको लेकर सुरक्षा बंदोबस्त जो है आप देख सकते हैं यहां पर। कल रॉबर्ट वाड्रा जब यहाँ पर पहुँचे थे तो प्रियंका गांधी उनको छोड़ने आई थी, और उसके बाद ही रॉबर्ट वाड्रा देर रात तक यहाँ पर थे। 6 घंटे की पूछताछ में ईमेल एक ऐसा जरिया है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा सवाल ईडी ने पूछने हैं, क्योंकि ईमेल जितनी भी हैं उनको क्रॉस चेक किया जाएगा, क्योंकि मनोज अरोड़ा है उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो सिर्फ उन्हें जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते, यानी कि जो आर्म्स डीलर हैं संजय भंडारी उसको भी जानने से उन्होंने इनकार किया, वही साथ ही लंदन में किसी भी तरह की कोई ऐसी संपत्ति, एक मिस्टर बी का भी जिक्र किया गया है इसी में, क्या वो मिस्टर बी संजय भंडारी ही है? देखिए, अभी तक ये सारी चीज़ें साफ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जिक्र जरूर, क्योंकि 3 लोग ऐसे हैं जिनके निकटस्थ जो इनके हैं, और यही वजह है कि उनके बारे में ये सारी मालूमात यहाँ पर तय करनी है, लेकिन अब देखना यही हुआ कि आज ईडी जो है नई क्वेश्चंस की लिस्ट को लेकर। चलिए, तो देखना होगा कि अब आज ये किस दिशा में जाती है पूछताछ, आप नज़र बनाए रखिए। फिलहाल आपका भी शुक्रिया दीपक, आपका भी शुक्रिया अरुण, और आपका भी शुक्रिया एहतेशाम खान। ईडी की रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। विजय माल्या के मामले में विजय हुई, क्रिश्चियन मिशेल आए, उनके सहयोगी तलवार और सक्सेना भी आए। जहां तक रॉबर्ट वाड्रा का सवाल है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे सिवाय एक के बहुत बड़े परिवार के व्यक्ति को भी कानून के आगे जाना पड़ा। ये देश के लोकतंत्र और कानून की प्रक्रिया के बीच है। हमारे साथ कांग्रेस की नेता प्रियंका चतुर्वेदी हैं। प्रियंका जी, प्रियंका गांधी आई, चार्ज संभाला उन्होंने, और चार्ज संभालते ही बीजेपी की तरफ से हमले होने लगे, उन्होंने अपने पति को ड्रॉप किया था ईडी दफ्तर तक, अब बीजेपी कर रही, क्या वो भी उसमें उनकी भी भूमिका है क्या? आप भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट समझ सकते हैं, जैसे ही उन्होंने उनको जिम्मेदारी दी गई थी पार्टी की तरफ से, और उन्होंने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी और राजनीति में सक्रिय हुई थी, तो किस तरीके के व्यक्तिगत हमले हुए, व्यक्तिगत टिप्पणियाँ हुई, ईडी की जांच शुरू कर दी, उनको ईडी में रॉबर्ट वाड्रा जी को बुलाने लग गए हैं, और अब क्योंकि उन्होंने अपना कार्यभार आकर संभाला है तो इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी से तीव्र जो रिएक्शन आता है, समझ में आ रहा है कि एक मानसिक दिवालियापन है, बौखलाहट है, खिस्यानपट है, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना उन पे हमला करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा जी पे, उतनी ही सक्षम और सशक्त रूप में वो उभरेंगे। सवाल वो लोग उठा रहे हैं ना कि प्रियंका गांधी क्यों गई उनके साथ, रॉबर्ट वाड्रा के साथ, ये तो बहुत ही अटपटा सा सवाल है कि आप उनके हस्बैंड पे आए दिन टीका टिप्पणी करते हैं, पिछले 7 साल से पूरा एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैंपेन चला रहे हैं, 5 साल से आपकी सरकार रही है, केंद्र में रही है, उन राज्यों में हुई है जहां पे आपने कहा कि गलतियां हुई हैं,
एक भी तथ्य नहीं है आपके सामने और एक भी एलिगेशन आरोप को आप प्रूव नहीं कर पाए हैं, तो बहुत स्पष्ट हो गया है कि ये जो पॉलिटिकली ड्रिवन विच हंट है वो भारतीय जनता पार्टी उसमें कोशिश कर रही है। और प्रियंका गांधी जी ने वहाँ पे अपनी उपस्थिति देकर कह दिया है कि कोई भी पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन या पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन होगी वो अपने परिवार के साथ खड़ी रहेंगी, सशक्त रूप से खड़ी रहेंगी, मजबूती से डटी रहेंगी, क्योंकि उनके साथ सत्य है और उनके पास तथ्य हैं, इनके पास कुछ नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स के सामने कांग्रेस के नेताओं को जाने की जरूरत पड़ती है विपक्ष दलों की, क्योंकि इन लोगों ने घोटाले किए हैं, इन्होंने संपत्ति हड़पने का काम किया है, टैक्स की चोरी करने का काम किया है। तो अब संजय सिंह को ये कहना चाहिए था हम राहुल गांधी के समय के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 600 करोड़ रुपया इनकम टैक्स न चुकाने का आरोप संजय राहुल गांधी पर है और पूरे गांधी परिवार बेल पर बाहर है। हम लोग सब मजबूती से लड़ेंगे, तो इसको आप ये मत समझे कि ये किसी अकेले व्यक्ति का मामला है, ये हमारे संघर्ष का मामला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुरुपयोग किया है, एजेंसीज का दुरुपयोग किया है और सारे उन्होंने संस्थाओं का दुरुपयोग करके वो प्रयास ये कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को वो तंग करें। हम डरने वाले नहीं हैं, हमें उनसे डर नहीं लगता है, हम उनका सामना करेंगे और उनको जवाब देकर दिखाएंगे कि किस तरह से लोकतंत्र में जवाब दिया जाता है। ईडी इतनी रिलायबल एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है कि निश्चित तौर से जब तक कुछ उसके लीड्स नहीं मिले हैं तब तक ये ईडी आगे नहीं बढ़ता, इसीलिए हमें लगता है कुछ लीड्स मिले होंगे, इसी आधार पर उसने किया होगा, इसलिए केवल उनका कहना होगा, वो तो एक लीगल स्टेटमेंट होता है कि मेरा कुछ नहीं है, मैं इनोसेंट हूँ, ऐसा कहा होगा उन्होंने, लेकिन ईडी अपना फुल काम करेगी। मुझे लगता है कि जो ईडी को इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन से उनकी संपत्ति तो है, ये हमें भी लगता है। कांग्रेस मुख्यालय में पहली बार वो औपचारिक तौर पर वो वहाँ बैठी है। निश्चित तौर पर राजनीति में आने का सबको अधिकार है और उन्होंने इस अधिकार का प्रयोग किया है। हम सबों की शुभकामनाएँ हैं वो राजनीति में रहें और बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा लोगों को है। जिस तरह से इन्फोर्समेंट एजेंसीज के रडार पर रॉबर्ट वाड्रा है, उससे कहीं ना कहीं प्रियंका जी को आने वाले समय में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष का लीडर घोटाला में शामिल है तो पूछताछ का सामना तो करना ही पड़ेगा। विपक्ष लीडर में कुछ ऑनेस्ट लोग रहता तो बात दूसरा होता, सारे घोटाला बाजी घोटाला का विपक्ष बनाया तो उसको पूछताछ होगा तो साजिश होगा, तो क्या करे, घोटाला चलने दे। जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर संदेह करना उचित नहीं और ये हर दौर में होता आया है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के शासन काल में जांच ना हुई हो। रॉबर्ट वाड्रा से इतनी लंबी पूछताछ हुई, दोबारा पूछताछ होने वाली है, आपकी पार्टी कह रही है कि पॉलिटिकल विंडेटा है, खुद प्रियंका गांधी ने भी कहा कि आप जानते हैं सारी चीज़ें, बीजेपी कर रही, कानून अपना काम कर रहा है, जो गलत करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, जो सही होगा उसको छेड़ेंगे नहीं। देखिए 5 साल का समय था नरेंद्र मोदी जी के पास में और इसी एक एजेंडे को लेकर नरेंद्र मोदी साहब और उनकी पार्टी सत्ता में आई थी कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, हम काला धन वापस लेके आएंगे। आज 5 साल बीत जाने के बाद आज उनको ईडी याद आ गया, आज उनको रॉबर्ट वाड्रा याद आ गए। मैं समझता हूँ ये अपनी बौखलाहट के अंदर अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए इस किस्म के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आज समय था मोदी साहब के पास सदन में आके बताते कि 5 साल में उन्होंने किया क्या है। आज ये जो मुद्दे हैं सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट, और मैं समझता हूँ प्रियंका गांधी जी के सक्रिय राजनीति में आने की वजह से ये बौखलाहट है जो कि एक तूफान को एक सुनामी को रोकने का प्रयास ईडी के जरिए सरकार कर रही है जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हुआ कि प्रियंका गांधी खुद उनको ईडी दफ्तर छोड़ने गई, इस पर भी बीजेपी ने सवाल उठाया कि वो क्या भागीदारी है, क्या उसमें क्यों वो गई थी वहां तक छोड़ने। देखिए मैं इस किस्म के पर्सनल ओछी बातों में जाता नहीं, ये भारतीय संस्कृति है जहाँ पे अपने परिवार के साथ खड़ी है वो, उनके साथ जीवन उनकी जीवन संगनी है। अगर ऐसे मौके पे जबकि सारी की सारी हिंदुस्तान की सरकार
हाथ धो के उनके पीछे पड़ी है। अगर परिवार के लोग साथ में नहीं खड़ेंगे, मैं समझ मोदी साहब भारतीयता को भूल चुके हैं विदेशों के दौरे कर करके। देखो भाई, कांग्रेस के करप्शन के कुएं से निकल रहा हर कंकाल एक ही बात कह रहा है कि बहुत बेशर्मी और बेदर्दी दर्दी के साथ कांग्रेस पार्टी ने जनधन की लूट की है, गड़बड़ झाला किया है। अभी करप्शन की कुंडली और बेईमानों की मंडली में बेचैनी स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो है वो अब लूट पर छूट का मौसम खत्म हो गया। अब जो है वो जनधन की लूट, गड़बड़ झाला, घोटाला का हिसाब किताब सूद ब्याज के साथ देना होगा, और ऐसे लोग जिन्होंने कि देश की जनधन के साथ लूट की है, गड़बड़ झाला किया है, घोटाला किया है, उन तक कानून का फंदा पहुंच चुका है।